बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर एटीएम से रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गार्ड की लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान कुछ लोगों ने आगजनी की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। दरअसल शुक्रवार देर रात हथियारों से लैस कुछ अपराधियों ने मौर्या कॉम्प्लेक्स स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तैनात गार्ड कुंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अपराधी एटीएम को तोड़कर रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने कितनी रकम लूटी है, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। सूत्रों ने बताया है कि मृतक राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का निवासी था। कुछ वक्त पहले ही उसकी तैनाती की गई थी। वहीं गार्ड की हत्या के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मौर्या कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक क्षेत्र है, जहां पुलिस 24 घंटे गश्त का दावा करती है। ऐसे में इस घटना के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसे नोटबंदी का साइड इफेक्ट ही कहें कि लोग स्थिति में पहुंच गए हैं कि पैसों के लिए किसी की भी हत्या करने से उन्हें गुरेज नहीं है, या फिर बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।